राधे राधे आप सभी को। सुबह हो गई है, सुबह के बज चुके हैं 6:30 हो गया है। अभी मैंने समय देखा था, अब ज़्यादा हो गया होगा। तो लल्ला उठ चुके हैं, चलते हैं स्नान कराने। लल्ला के हिसाब से बहुत ठंडक होने लगी है, तो हल्का गर्म गर्म पानी एकदम ताज़ा पानी नल से निकाल के लाओगे तो बहुत गर्म होता है, तो आप उससे भी स्नान करा सकते हैं लल्ला को। तो ये हो रहा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नित्य कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नित्य कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो लल्ला ने स्नान कर लिया है, आज हल्का गर्म कपड़े पहनाएंगे। गर्म कपड़े आप कैसे बनाते हैं छोटे लल्ला को? गर्म रुमाल नहीं आती हैंकी, जैसे कि ये मखमलदार है, ऐसे रुमाल लेकर आइए और आप लल्ला के लिए से पैंट शर्ट की तरह बना सकते हैं। जैसे कि हमने ये देखिए बनाया, अभी देखो पहना के दिखाती हूँ आपको, ये बनाया था। अभी हल्की ठंडी हो रही है, वही सुबह सुबह होती है, तो दोपहर में चाहे कपड़े चेंज भी कर दीजिए, हल्के पहना दीजिए तो दोपहर में हल्का गर्मी होने लगती है धूप की वजह से। और ये मैंने बनाया था, ऐसे टोपी लगा दी थी इसमें और ये सेल्ट हो गया था। बस तब से ये लल्ला जब हल्की हल्की ठंडक होती तब पहन लेता है, और जब से फ्रॉक व्रॉक पहनाते हैं तब इसको अंदर पहना देते हैं, फ्रॉक ऊपर पहना देते हैं जब ज़्यादा ठंडक होती है। ये लीजिए देखिए, अच्छे से पहन लिया, एकदम चिपक भी जाता है ना। इसमें आपको जैसे कि चिपकाने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही चिपक भी जाता है। आप ऐसे ही बना सकते हैं इसको। लल्ला को हमने इतना सा तैयार कर दिया है, और अभी बाकी है चंदन, थोड़ा सा चंदन लगा देंगे, लल्ला और भी सुंदर हो जाएगा। ऐसे हमारे लल्ला को अब जो भी पोशाक धारण कराओगे ना, ऐसे सिंपल में देखो क्योंकि नहीं छिल, जब एकदम से तैयार हो चाहे जौन सी कलर, कोई भी कलर आप पहना सकते हो। लल्ला के ऊपर सारे कपड़े कलर सारे अच्छे लगते हैं, कोई भी आप पहना सकते हो, ठीक है। चलो मैं चंदन लगा देती हूँ। तो ये लीजिए लल्ला हो गया रेडी, और ये रहे हमारे लल्ला के आज के दर्शन। राधा राधे आप सभी को, श्री हरिदास और राधा लड्डू गोपाल की सेवा। ऐसे ही आप लोग करते रहे अपने घर में और आनंद से रहिए। और कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना चल रहा है हमारे कृष्ण का।